ओम श्री परमात्मन नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपका ही हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंसाचार्डूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु। ये उपदेश अत्यंत गोपनीय सार बात आप कहेंगे, ये अत्यंत गोपनीय सार बात है। प्रभु क्या कह रहे हैं जीव से, आइए सुनते हैं। सर्व धर्मात्या प्रज्ञ है मम कह शरणम वज्रः अहम तवा सर्व प्रेम्य मोक्षिषमाशुषा। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सर्व धर्मस्य प्रजिन्तः मम एकः शरणं वज्रः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर, था क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का सार है। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पवित्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर का सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर की भी अपना नहीं मानती, प्रतुत्पत्ति देव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पवित्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक हो जाते हैं। गीता के अनुसार यहां धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक है, कारण कि इसी अध्याय के 41वें 44वें श्लोक तक स्वभावज कर्म शब्द आए हैं। फिर 47वें श्लोक में पूर्वाधर्म स्वधर्म शब्द आया है। उसके बाद 47वें श्लोक के भी उत्तरार्ध में तथा प्रकरण के अंत में 48वें श्लोक में कर्म शब्द आया है। तात्पर्य हुआ कि आदि और अंत में कर्म शब्द आया है और बीच में स्वधर्म शब्द आया है, तो इससे स्वतः ही धर्म शब्द कर्तव्य कर्म का वाचक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सर्व धर्मात् प्रज्ञ पद से क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग माना जाए। इसका उत्तर यह है कि धर्म का स्वरूप से त्याग करना ना तो गीता के अनुसार ठीक है और ना यहाँ के प्रसंग अनुसार ही ठीक है, क्योंकि भगवान की यह बात सुनकर जीव ने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया। प्रतिकृष्ट वचनात्म कहकर भगवान की आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना स्वीकार किया है। केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत अपने छात्र धर्म के अनुसार युद्ध भी किया। अंत उपयुक्त पद में धर्म अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं है। भगवान भी कर्तव्य के त्याग की बात कैसे कह सकते हैं? भगवान ने इसी अध्याय के 6 श्लोक में कहा है कि यज्ञ दान तप अपने अपने वर्ण आश्रम में जो कर्तव्य है उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, प्रतीत उनको जरूर करना चाहिए। प्रभु ने साफ साफ कह दिया है। गीता का पूरा अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हाल में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जीव तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। दूसरे अध्याय का 41वां 48वां श्लोक तक इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार यह
करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्म के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्म अर्थात कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण के प्राप्त होते हैं। एवं त्रिधर्मस्य मनो प्रसन्नः गतं गतः कमः कामः लभते। इसलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर भी अपने को धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे जीव के जीवन में ऐसा हुआ भी है। जीव का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था, इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धस गया। कर्ण रथ से नीचे उतर कर रथ के चक्के को निकालने उद्योग करने लगा और जीव से बोला कि जब तक मैं यह चक्का निकाल ना लूं तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रति को उचित है कि उस पर बाढ़ ना छोड़े। तुम सहस्त्र अर्जुन के समान शस्त्र और शस्त्र के ज्ञाता हो और धर्म को जानने वाले हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर जीव ने प्राण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे अताताइयों को किसी तरह से मार देना धर्म ही है। तुम्हारे जैसे अताताइयों को किसी तरह मार देना धर्म ही है, पाप नहीं है। और अभी तुम छा महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। अत धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं। हाँ, यह सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता है उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने जीव को बाढ़ चलाने की आज्ञा दी तो जीव ने बाढ़ चलाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यदि जीव अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते, अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। जीव के मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय का छठा श्लोक, यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है, इससे तो अनर्थ परंपरा ही बढ़ेगी। पहले अध्याय का 40वां श्लोक तक। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर से का कोई साधन नहीं है। अंत भगवान कहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या धर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या धर्म है क्या धर्म है, इस पचड़े में तू क्यों पड़ता है, तू धर्म के निर्णय का भार मेरे पर छोड़ दे। यही सर्वधर्मत्व प्रत्यय का तात्पर्य है। ममैक शरणम वज्रः, इन पदों में एकम पद मम का विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि माम भगवान एक ही है अनेक नहीं। इसलिए एकम पद का अर्थ अनन्य लेना ही ठीक बैठता है। दूसरी बात, जीव ने तदेक पदा निश्चित और सच्चेतर्योरेकम, पद में भी एकम पद से संख्या और कर्म योग के विषय में एक निश्चित श्रेय का साधन पूछा है। उसी एकम पद को लेकर भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि संख्या योग कर्म योग आदि जितने भी भागवत प्राप्ति के साधन है उन संपूर्ण साधनों में मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति है, प्रभु के शरणागति है। गीता में जीव ने अपने कल्याण के साधक साधन के विषय में कई तरह प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर भी दिए। वे सब साधन होते हुए भी गीता के पूर्व पर को देखने से यह बात स्पष्ट दिखती है कि संपूर्ण साधनों का सार और शिरोमणि साधन भगवान के अनन्य शरण होना ही है। भगवान ने गीता में जगह जगह अनन्य भक्ति बहुत महिमा गाई है। जैसे दुस्तर माया को सुगमता से तरने का उपाय अनन्य शरणागति ही है। सातवें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता के लिए भी सुलभ हूँ,
आठवें अध्याय का 14वां श्लोक, परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही होती है। आठवें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य भक्तों का योग छे मैं वहन करता हूँ, अनन्य भक्तों का योग छे मैं वहन करता हूँ। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य भक्ति से ही भगवान को जाना देखा तथा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति से भगवान को जाना देखा और प्राप्त किया जा सकता है। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अनन्य भक्तों का मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ। 12वें अध्याय का 6वां-7वां श्लोक, गुणातीत होने का उपाय अनन्य भक्ति ही है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, इस प्रकार अनन्य भक्ति की महिमा गाकर भगवान यहाँ पूरी गीता का सार बताते हैं। ममैक शरणम वज्रह, तात्पर्य है कि उपाय और उपाय साधन और साध में ही है। ममैक शरणम वज्रह का तात्पर्य है कि मन बुद्धि के द्वारा शरणागति को स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयं को भगवान की शरण में जाना है। कारण कि स्वयं के शरण होने पर मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि भी उसी में आ जाते हैं, अलग नहीं रहते। अहम तवा सरोपम्भ्यम मोक्षिष्मि मा शुचः, यहां कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्याय में जीव ने जो युद्ध से पाप होने की बात कही थी उन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रलोभन भगवान ने दिया है, परंतु यह मान्यता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब जीव सर्वथा भगवान के शरण हो गए तब उनके पाप कैसे रह सकते हैं और उनके लिए प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है, अर्थात उनके लिए प्रलोभन देना बनता ही नहीं। हाँ, पापों से मुक्त करने का प्रलोभन देना तो यह शरणागत के होने के पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होने के बाद नहीं। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसका भाव यह है कि जब तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा, होने के बाद मेरी शरण में आ गया और शरण होने के बाद भी तुम्हारे भाव वृत्ति अंचलों आदि में फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उनमें सुधार नहीं हुआ, भागवत प्रेम भागवत दर्शन आदि नहीं हुए और अपने में अयोग्यता अधिकारता निर्णता आदि मालूम होती है, तो भी उनकी लेकर तुम चिंता या भय मत करो। कारण कि जब तुम मेरी अनन्य शरण हो गए तो वह कमी तुम्हारी कमी कैसी रही, उसका सुधार करना तुम्हारा काम कैसे रहा, वह कमी मेरी कमी है, अब उस कमी को दूर करना उसका सुधार करना मेरा काम है रहा। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, वह काम है निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक होकर मेरे चरणों में पड़े रहना, परंतु अगर तेरे में भय चिंता वहम आदि दोष आ जाएंगे तो मैं शरणागति में बाधक हो जाएंगे और शाप भार तेरे पर आ जाएगा। शरण होकर अपने पर भार लेना शरणागति के कलंक है, कलंक है, कलंक है। ओम श्री परमात्मा नमः। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगनसही तब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट अगनसही तब ही, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों की शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष भगवान अपना ही दोष मानते हैं। एक समय विभीषण जी समुद्र के इस पार आए, वहां विप्र घोष नामक गांव में उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मण ने इकट्ठा होकर विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। फिर ब्राह्मणों ने उन्हें जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा ले गए, जाकर बंद कर दिया। राम जी को विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान के द्वारा तत्काल विप्र घोष नामक गांव में पहुंच गए और वहां विभीषण का पता लगाकर उनके पास गए। ब्राह्मण ने राम जी का बहुत आदर सत्कार किया और कहा, महाराज इसने ब्रह्महत्या कर दी है, इसने ब्रह्महत्या कर दी है, इसको हमने बहुत मारा,
यह परिया मरा नहीं। भगवान राम ने कहा कि हे ब्राह्मणों, भीषण को मैंने कल्प तक की आई और राज दे रखा है, वह कैसे मारा जा सकता है और उसको मारने की जरूरत ही क्या है, वह मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेवारी वास्तव में उसके मालिक पर ही होती है, अर्थात मालिक ही उसके दंड का पात्र होता है, अतः विभीषण के बदले में आप लोग मेरे को ही दंड दें। भगवान की शरणागत वत्सला देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सब ने भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन को समान योग्यता पात्रता अधिकता आदि कुछ भी नहीं है, यह संपूर्ण साधनों का सार है, यह संपूर्ण साधनों का सार है। छोटा सा बच्चा भी अपने के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है, अर्थात जब वह रात में रोता है तो सारे घर वाले उठ जाते हैं और उसे राजी करते हैं। इसलिए शरणागत भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ ना देखकर भगवान के साथ अपने पन की तरफ भी देखना रहना चाहिए। मातुचः का तात्पर्य है मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागत गति में कलंक है। प्रभु स्वयं कहते हैं मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, यह मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति के प्रति कलंक है। जय जय श्री राम। मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास भरोसा न रखना ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर चिंता करना वास्तव में अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य मालूम देने से ही उनको मिटाने की चिंता होती है। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना होकर दुख होता तो दुख होना इतना दोषी नहीं है। जैसे छोटे बालक के पास कुत्ता आता है तो वह कुत्तों को देखकर रोता है, चिंता नहीं करता, ऐसे ही दोषों का ना सुहाना दोष नहीं है, प्रत्युत चिंता करना दोष है। चिंता करने का अर्थ यही होता है कि भीतर में अपने छिपे हुए बालक का आश्रय है और यही मेरा अभिमान है। मेरा भक्त होकर भी तू चिंता करता है तो तेरी चिंता दूर कहाँ होगी, लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह भगवान का भक्त है और चिंता करता है, भगवान इसकी चिंता नहीं मिटाते, तू मेरा विश्वास ना करके चिंता करता है तो विश्वास की कमी तो है तेरी और कलंक आता है मेरे पर, मेरी शरणागति पर, इसको तू छोड़ दे। तेरे भाव वृत्ति आचरण शुद्ध नहीं हुए तो भी तू इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में जीव भगवान के शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोक से कहते हैं कि इस भूमंडल पर धन धान संपन्न निष्कंटक राज मिलने पर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। भगवान मानो कह रहे हैं कि तेरा कहना ठीक है, क्योंकि भौतिक नाशवान पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर नहीं हो सकता और ना होने की संभावना भी नहीं है, परंतु मेरे शरण होकर तू शोक करता है, यह तेरी बड़ी भारी गलती है, तू मेरे शरण होकर भी भार अपने सिर पर ले रहा है। जय श्री राम। मैं प्रभु की शरण में हूँ और प्रभु का ही हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। एवमस्तु तथास्तु। हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौरवों को सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को हाथ से दांतों में पकड़ती हैं और भगवान को पुकारती हैं। अपने को बल का आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान आने में देरी
लगती है, परंतु जब द्रौपदी अपना उद्योग सर्वथा छोड़कर भगवान को ही निर्भर हो जाती है, तब दुशासन चीर को खींच खींच कर थक जाता है और चीरों का ढेर लग जाता है, पर द्रौपदी कोई भी अंग उधड़ता नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं प्रभु की शरण में हूं और प्रभु का हूं मैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही। तीसरे अध्याय में तो भगवान कर्तव्य कर्म को ना छोड़ कर किए, प्रकरण में प्रकरण ही कहा है, कर्मों का त्याग करने से ना तो निष्कमता की प्राप्ति होती और ना सिद्धि ही होती है। चौथा श्लोक, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पांचवा श्लोक, जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर से विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है। छठा श्लोक, जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। सातवां श्लोक, कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। आठवां श्लोक, बंधन के भय से भी कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि केवल कर्तव्य पालन के लिए कर्म करना बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य कर्म की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए शिवाय अपने लिए कुछ भी कर्म करना ही बंधन कारक है। नौवां श्लोक, ब्रह्मा जी ने कर्तव्य सहित प्रजा की रचना करके कहा कि इस कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की वृद्धि होगी, यही कर्तव्य कर्म तुम लोगों का कर्तव्य सामग्री देने वाला होगा। दसवां श्लोक, मनुष्य और देवता दोनों ही कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। ग्यारहवां श्लोक, जो कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करता है वह चोर है। बारहवां श्लोक, कर्तव्य कर्म करके अपना निर्वाह करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, और जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह पापी पाप का भी भक्षण करता है। तेरहवां श्लोक, कर्तव्य पालन से ही सृष्टि चक्र चलता है, परंतु जो सृष्टि में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका जीना व्यर्थ है। सोलहवां श्लोक, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उन्नीसवां श्लोक, जनकादि ज्ञानी जन भी कर्तव्य कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह की दृष्टि से भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। बीसवां श्लोक, भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो मैं वर्ण संकृत का उत्पादक और लोगों का नाश करने वाला बनूं। तेईसवां 24वां श्लोक, ज्ञानी पुरुष को भी आसक्ति से होकर आस्तिक अज्ञानी की तरह अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। 25वां श्लोक, ज्ञानी को चाहिए कि वह ज्ञानियों में बुद्धि भेद पैदा ना करके अपने कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह से पालन करते हुए उनसे भी वैसा ही कराए। 26वां श्लोक, इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्तव्य कर्म को पालन करने में बड़ा जोर दिया है। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए अत्याइयों को बिना विचार किए हुए मार डालना चाहिए। अत्याइयों को मारने से ही मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। जय श्री राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, जो ईश्वर ब्रह्म आपके हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो नमो नमः।